नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन नेटम फॉस सिक्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, ये इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नेटम फॉस सिक्स एक्स मेडिसिन होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 25 ग्राम के साइज में मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों जो इस पर MRP आती है वो 90 रुपये आती है और अलग अलग कंपनियों में इसके 5-10 रुपये का अंतर हो सकता है। जो SBL कंपनी इसको बनाती है वो 90 रुपये में बनाती है और जैसे WSI है वो 95 में, या जो रैकबैक या जो एडल कंपनी आती है जो जर्मनी की कंपनियां वो इसको थोड़े महंगे दामों पर बनाती है। तो बात करते हैं इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेटम फॉस मेडिसिन होती है, अगर कोई पेशेंट है उसके शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है और लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से अगर उसको कोई बीमारी हो रही है, जैसे सोर इरेक्शन हो रहा है, किसी को एसिडिटी बन रही है और लैक्टिक एसिड बढ़ने का जो कारण है, जो लोग चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर चीनी खाने की वजह से अगर किसी का लैक्टिक एसिड बढ़ा है, दोस्तों लैक्टिक एसिड और भी कई कारणों से बढ़ सकता है। जैसे जो लोग पहली बार रनिंग वगैरह करते हैं तो उन लोगों में भी कई बार लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो कई बार चीनी खाने से भी लोगों के शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर चीनी खाने से अगर किसी के शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है और उसके वजह से अगर किसी को सोर इरेक्शन या हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो रही है, सीने पे जलन रहना या मुंह में खट्टा पानी आने की शिकायत हो रही है, तो वैसी स्थिति में अगर आप नेटम फॉस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी हाइपर एसिडिटी की शिकायत है वो मात्र कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला यूज होता है, ऐसे पेशेंटों में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी जो जीभ है, आप देखेंगे तो बहुत से लोगों की जीभ साफ होती है, लेकिन जो नेटम फॉस का पेशेंट होता है उसकी जीभ को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पीली सी मोटी सी लेयर जीभ के ऊपर जमा रहती है, जो जीभ के शुरू वाले हिस्से से पीछे तक चली जाती है, या किसी को जीभ पे छाले बन जाते हो, खासकर जो अगला हिस्सा होता है, अगर वहाँ किसी के छाले रहने की परेशानी है तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, या किसी को मेजेंटिक लिम्फ नोड इलाजमेंट हो जाए। बहुत से बच्चों में क्या होता है, जो पेट में लिम्फ नोड होते हैं उनमें इलाजमेंट हो जाता है या सूजन आ जाती है, जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है या सीने पर जलन रहने की शिकायत रहती है, उनके वजह से अगर उसके वजह से अगर किसी को लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हुआ है तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, या दोस्तों किसी को खट्टी डकारे आने की परेशानी है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी के पेट में कीड़े हैं, बॉम्स हैं, तो बॉम्स को निकालने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जो नेटम फॉस मेडिसिन होती है। दोस्तों नेटम फॉस जो मेडिसिन होती है, अगर किसी को ऐसा लगता हो गले में कि उसके कोई लंप है, कोई गांठ है, अगर गांठ होती नहीं है पेशेंट को ऐसा लगता है, तो वैसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस मेडिसिन के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, किसी को अपच की शिकायत रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं, गैस की शिकायत रहती है, गैस पास होती हो या फिर डकारे आती हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस मेडिसिन के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। या दोस्तों किसी को अगर डायरिया की शिकायत है, खासकर जो डायरिया है, जो लूज मोशन है वो ग्रीन कलर के होते हो, जो लैटिन का रंग है वो हरे रंग का होता हो, तो ऐसे दस्तों को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, या खासकर जो जो बच्चे होते हैं जो बोनी का दूध पीते हैं, ऊपर का दूध पीते हैं, अगर उन बच्चों में सूखा रोग की परेशानी है, उनके जो पैर हैं बहुत ज़्यादा सूख से गए हैं, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं, या खासकर जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद भी अगर रात को सोते समय बिस्तर गीला करते हैं, बिस्तर पर पेशाब करते हो, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेटम फॉस मेडिसिन होती है, पुरुषों में अगर किसी को स्वप्नदोष की परेशानी हो रही है, बिना किसी गंदे सपने आए, अगर किसी को किसी का जो सीमन है वह लिंग से बाहर आ जाता है सोते सोते, तो वैसी स्थिति में भी जो नेटम फॉस मेडिसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों जो नेटम फॉस मेडिसिन होती है, जॉइंट पेन की भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द रहने की परेशानी है और जोड़ों में दर्द के साथ साथ अगर किसी के जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती हो, जैसे पेशेंट चलेगा तो उसके घुटने से कट कट की आवाज़ आएगी, किसी भी जोड़ से अगर कट कट की आवाज़ आती है, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या बहुत से लोग लिखने का काम करते हैं, जो राइटर्स होते हैं, लिखते लिखते अगर उनका हाथ कांपने लगता हो, हाथ कांपने लगता है जब भी वह कोई लिखने का काम करेंगे, तो वैसे स्थिति में भी आप इस मेडिसिन का
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है ये, बहुत सारी बीमारी को ठीक करने का काम करती है। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो दोस्तों जो डोज इसकी चिल्ड्रन में वो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं 2-2 गोली। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।